अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नौचंदी थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बढ़ गए हैं। बीती रात स्कूटी सवार युवकों ने हिफ्जा चिकन पॉइंट पर 5 राउंड फायरिंग की। एकाएक हुई इस फायरिंग से वहां दहशत व भगदड़ मच गई। चिकन पॉइंट संचालक का कहना है कि कुछ लोगों से उसकी मामूली कहासुनी तो हुई थी, लेकिन वे इस घटना को अंजाम दे देंगे सोचा नहीं था। गंभीर बात यह भी है कि दोपहर बाद तक अभी तक इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। चिकन पॉइंट संचालक समीर ने यह जानकारी दी। मेरा नाम समीर, मोहम्मद समीर। समीर, क्या घटना है, किसने गोली मारी? घटना ये आई, इनके से आए पीछे साइड से दो जने, हेलमेट वाले ने पिस्टन का अगले वाले पे कपड़ा मार रखा, मुंह पे आगे फायरिंग करने लगे। कोई बात नहीं थी हमारी, और सीधे पल्ली में भाग गए। कितनी फायरिंग की? 5 फायरिंग करी है, 2 फोके मिले गए। आप क्या करते हैं? हमारे चिकन के फोटो खोला था आपने। क्या विवाद था तुम्हारा? विवाद तो कुछ भी नहीं था, बस स्कूटी मांगी थी भाई 5 मिनट के लिए, उन्होंने दे दी, बस उसके बाद कोई बात नहीं हुई हमारी। स्कूटी के बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कौन लेकर गया था स्कूटी? मैं ही लेकर था, मैंने ला कर दे भी दे दी 2 मिनट में, मैंने ले भैया। क्या करने आए थे वो लोग यहाँ पर? एक खाना खाने आते थे लड़के, बस ये बात थी, कोई बात नहीं। स्कूटी पे क्यों ले रहे हो? स्कूटी मुका मुझे, मेरा फोन आ रहा, मैंने भाई मैंने 1 मिनट को तो क्या क्या लेगा, तुमने दे दी राजी से दी, तुम्हें दे राजी भी नहीं थी, तुम्हें बस इतनी बात हो गई, खत्म हुई हमारी, बस चले गए चुके, कुछ बात भी नहीं उनसे। ये नहीं बताए कहाँ के लगे भाई, इन्होंने सड़क पर 5 खेल लिए। तो उधर नौचंदी एसओ ने फर्स्ट बाइट को बताया कि स्कूटी लेने को लेकर के दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ है, अभी जांच चल रही है, मुकदमा दर्ज होने के बाद कार्रवाई होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।